नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। और बात मंदसौर के नाहरू खान की, जिन्होंने ईद के मौके पर ईदी के रूप में मास्क और सैनिटाइजर बांटे। नाहरू खान ने कोरोना काल में ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन और मंदिरों में सेंसर वाली घंटी जो बिना छुए बजती है वह भी दान कर चुके हैं। लोकल मार्केट में अलग अलग जगह बिना मास्क लगाए लोगों को मास्क बांटते हुए साथ में सैनिटाइजर की बोतल भी देते हुए अधिकांश उन लोगों को मास्क सैनिटाइजर दिए गए जो सड़कों पर ठेला लगाते हैं। ईदी के तौर पर लोगों को मास्क सैनिटाइजर देने का विचार आया था जो आज वितरित कर रहे हैं। इस महामारी से बचना है तो सबको मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल करना ही होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन भी करना होगा। सभी को ईद और रक्षाबंधन की शुभकामनाओं के साथ मास्क लगाने की अपील की है। नाहरू खान के इस प्रयास को लोगों ने काफी सराहा है। उनका कहना है कि अच्छा प्रयास है, मास्क लगाने से कोरोना से बचा जा सकता है। नाहरू खान पेशे से मिस्त्री हैं, सिर्फ तीसरे तक ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन्होंने एक से एक उपकरण बनाए हैं। हाल ही में कोरोना को देखते हुए इन्होंने सरकारी अस्पताल में ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बनाई थी। तो वहीं उज्जैन महाकाल मंदिर, इंदौर खजराना मंदिर और मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर में बिना छुए सेंसर से बजने वाली घंटियां भी लगाई थी। मंदसौर से अशोक परमार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं सभी मंदसौर वासियों को मेरी ओर से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं। ये मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना ये ईदी के रूप में हमारे सैनिटाइजर्स और मास्क, मैंने सोचा ये वितरण करने का, जो हर कोई मास्क नहीं लगा रहा था कि हमारे कोरोना से बच सके। ये मेरे मन में विचार आया और मैंने पूरे मार्केट में घूम कर ये मास्क और सैनिटाइजर्स बांटे हैं ताकि हमारे महामारी से हम बच सकें। और सबको मेरी ओर से बहुत बहुत ईद की शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बहुत अच्छा लगा, इनकी सराहनीय पहल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो लोगों में जागरूकता पैदा हो रही है। मास्क तो ऑलरेडी सभी के पास है पर लगाना कोई नहीं चाह रहा है, तो इनको जो पहल की गई है वो बहुत बहुत धन्यवाद के प्रार्थ। और भी लोगों को, सभी को मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए इस बीमारी के। और जो भी मास्क दे रही है, सस्ता है, जो भी दे रहे हैं उनको धन्यवाद है कि वो लोगों में एक जागरूकता पैदा कर रही है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो कवरिंग कर रहे हो इसे महामारी के टाइम पर। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।